जिस तरह से आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होते ही क्रिकेट फैंस के बीच अपनी अलग पहचान बना ली थी, वैसे ही महिला प्रीमियर लीग में भी भारतीय क्रिकेट में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। लीग में खेले जा रहे मैच में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसने फैंस के बीच यादगार लम्हा बना दिया है। सर्वाधिक विकेट से लेकर सर्वाधिक स्कोर और सबसे तेज अर्धशतक जैसे रिकॉर्ड बनाकर WPL ने वर्चस्व स्थापित कर लिया है। चलिए हम आपको WPL में बने ऐसे ही 5 रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। WPL का सबसे तेज अर्धशतक। WPL में सबसे तेज अर्धशतक की बात करें तो यह गुजरात जायंट्स की ओपनर सोफी डंकली के नाम है, जिन्होंने RCB के खिलाफ 18 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। WPL का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो यह UP वॉरियर्स की कप्तान एलिसा हेली के नाम है, जिन्होंने RCB के खिलाफ 47 गेंद पर 96 रन की पारी खेली थी। बेस्ट बॉलिंग स्पेल। साउथ अफ्रीका की मारिजान कॉप, जो कि दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है, उन्होंने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 15 रन देकर 5 विकेट झटके, यह WPL में बेस्ट बॉलिंग स्पेल है। WPL का पहला अर्धशतक। WPL का पहला अर्धशतक मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत के नाम है, उन्होंने ओपनिंग मैच में गुजरात के खिलाफ 65 रन की पारी खेली थी। WPL सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग और शैफाली वर्मा ने RCB के खिलाफ पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की थी। यह इस WPL की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। हालांकि ये रिकॉर्ड अभी टूट सकता है।